कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। मेरठ में एक संत ने आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के कुछ दबंग भू माफिया तिर्च की जमीन कब्जाना चाहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें बंधक बनाया गया और मारपीट भी की गई। इसको लेकर संत ने बताया कि 2013 में भी मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन ये मामला अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, कोई कार्यवाही नहीं की गई। मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश में काबिज हुए थे तो उनका साफ कहना था कि माफिया या तो प्रदेश छोड़ दे, नहीं तो उन्हें जेल जाना पड़ जाएगा। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद हैं प्रतापपुर के गगोल तीर्थ के महंत और हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने आगजनी की है, तोड़फोड़ की है मंदिर पर, और जमीन कब्जाने का कुछ मामला है जिसको लेकर ये पुलिस और प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर कल मिले थे। अब इनका क्या कुछ कहना है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका महंत जी? मेरा नाम शिवदास है। यहाँ विश्वामित्र महाराज जी जो राम लक्ष्मण को लेके आके यज्ञ किए थे, ये वो भूमि आज भी ये खसरा खतौनी में विश्वामित्र के नाम ही है। यहाँ पे हमारे संत महापुरुषों ने गुरु शिष्य पद्धति के अनुसार अनेक संत होते आए, जितने भी आप देख रहे हैं ये सब संतों ने बनाया है। जो बाबा बुद्धदास महाराज जी, बाबा सेवादास महाराज जी, मेरे को भी 96 से मैं पे यहाँ पे हूँ। अच्छा, ये 2013 से इनके अंदर ये नजर आया कि ये जमीन मेरे कब्जा में आ जा, एक मुकदमा चला दिए जिसमें यथास्थिति कोर्ट ने दे दिया। फिर भी ये समय समय के अनुसार ग्रुप बना के आके यहाँ पे कोई ना कोई उदंडता उतता ही करते रहते हैं, जिस कारण इतना मैं परेशानी हूँ इनसे। अच्छा, कोई जैसे कि मैंने अभी दो बार बड़े अधिकारियों से भी मिला, DM को भी दिया था ज्ञापन, और क्या नाम हमारा कमिश्नर जी को भी दिया था, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी डाला था, लेकिन इतना खास कोई उसमें सुनवाई नहीं है। महन जी, 2013 से मामला चल रहा है, मुकदमा कोर्ट में पहुंच चुका है, कोर्ट में विचारधीन भी है। फिलहाल गवाही चल रहा है। हाँ, अब ये तोड़फोड़ की जा रही, वो कितने लोग हैं और आखिर उनकी मंशा क्या है इस तोड़फोड़ के पीछे? वही 10 आदमी है जिनके साथ मुकदमा चल रहा है, उन्हीं का ही परिवार मिला देते हैं, उसमें जोड़ देते हैं वो गांव, ऐसा कुछ नहीं है, उन्हीं का ही परिवार है सारा, उन्हीं के बिरादरी में से। जैसे काल शनिवार के दिन अचानक आए कि आज जो भी होना है आज ही कर देना, इसे हो तो मार दिया जाए या नहीं तो इसे हटा दिया जाए, तो तत्काल ही ये CC कैमरा अगर लगा था, सारे तार फार सब तोड़ दिए। तोड़ने के बाद यहाँ जितने भी सिलाए जो दानी लिखा था सबका ये सब तोड़ दिए हैं। एक उपद्रव ऐसा उपद्रव कर दिए हैं कि उसका कोई सीमा नहीं है, कहा भी नहीं सकते हैं। अच्छा, पुलिस बाद में आते हैं, मैं जब पुलिस को फोन भी किया था, 100 नंबर को भी किया था, वो कह रहे हैं बाबा जी हो रहा है कार्य, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, लेकिन तब तक हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने हमारे को 17 में जब मुख्यमंत्री बने थे, हमारे करीब 90 लाख रुपया दिए थे इस तीर्थ के लिए, उनके आमा 700 कोटि ये करते हैं धन्यवाद, उन्हीं के द्वारा इसका विकास भी अच्छा हुआ है। उन्हीं का ही एक शिला लगाया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के अंतर्गत 19-20 में ये कार्य संपन्न हुआ बोल के, उसको भी JCP ला के वो उचाड़ के, स्टील का था वो जो पर्यटन विभाग के द्वारा लगा था, उसको भी उचाड़ के ले गए हैं। पैसा सरकार का लगाया गया है, इसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, और जो बाहर के लोग आगे से तोड़ रहे हैं, कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सिर्फ एक ही मात्र मकसद है इनका। ये कागजों में था 300 बीघा, 240 बीघा कब्जा कर चुके हैं, और हमारे पास इस समय फिलहाल में 55-60 बीघा है, उसको भी 2013 से इसे हटाओ और यह हमारा अंडर में आ जाना चाहिए, इसका प्लॉट काट दिया जाए, क्योंकि इसका जमीन थोड़ा सा महंगा होने के वास्ते इनका सब एक ही मात्र कह के नजर जमीन के ऊपर है और कुछ नहीं। लोकल पुलिस का क्या कहना है, थाना प्रतापपुर लगता है और मेरठ के SSP रोहित सिंह सजवान हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि मेरठ में किसी भी प्रकार का अपराध बर्दाश्त नहीं होगा, उन्हें अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। तो इस प्रकरण पर SSP का क्या कहना है, आप मिले थे तो? जब मैंने मिला था उन्होंने कहा बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका कार्रवाई हो रहा है और आपको सिक्योरिटी भी दिया जाएगा, और क्या नाम है, रात में आए थे, दो पुलिस वाले भी यहाँ रहे। अच्छा, कहने लगे दिन में रात में रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, आपका बिल्कुल जो सत्य है वही कार्रवाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा। इसलिए मेरा अपने तरफ से कहना है ये चैनल के माध्यम से
सिर्फ मैं हमारे योगी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के साथ में इतना चाहता हूं कि उनके संज्ञान में ये हो, स्वयं देखे कि किस प्रकार के वो स्वयं बयान देते हैं और कुछ लोग इस प्रकार के कार्य धार्मिक स्थलों में, क्योंकि ये राम के साथ ही जुड़ा हुआ है, भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी यहाँ लेके आए थे जिस कारण राम के साथ ही ये जुड़ा हुआ। ये जो सरोवर आप देख रहे हैं ये प्राचीन काल का है, इसमें स्नान दान पिंड दान तर्पण इत्यादि होता रहता है। अच्छा, क्या कुछ कहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और महंत की सरकार है, और आपका भी यही कहना है क्योंकि आप एक महंत हैं, आपके साथ में इतना कुछ हो रहा है और 2013 से आप इन सब चीजों को देख रहे हैं, तो क्या कहना है योगी सरकार से? बस मैं उनसे इतना ही अनुरोध करता हूँ कि महाराज जी ये चैनल के माध्यम से इसका जीर्णोद्धार, अभी भी 1,51,33,000 रुपया अभी भी दिए हुए हैं जिसका कार्य चल रहा है। अच्छा, वो तो दे रहे हैं, कार्य ठीक हो रहा है, लेकिन ये लोग इतना उपद्रव कर रहे हैं, इतना दुख दे रहे हैं, रात बिरात में डाका डाल देते हैं। यहाँ दो महात्माओं को भी गोली मार चुके हैं, यही गांव दो बार मेरे को बंधक भी बना के डाका भी डाल चुके हैं और दो बार मेरे को रास्ता में झोली भी छीन चुके हैं मुंह बांध के। अच्छा, कार्रवाई सब कुछ ऐसे डिसमिस हो जाता है क्योंकि उनका कुछ अपना ये रहता है, जिस कारण जिसका कोई ये नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल देखिए, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर किस तरीके से असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है। 2013 से मामला कोर्ट में विचाराधीन है और यहाँ के महंत ने जो है शिवदास जी, जिनसे हमने बातचीत की, उन्होंने मेरठ के पुलिस और प्रशासन से अपनी गुहार लगाई है और प्राइम टीवी के माध्यम से वो उनका यही कहना है कि योगी सरकार इसमें एक्शन ले और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ऐसे में देखना ये होगा कि इनकी आवाज योगी सरकार तक पहुंचती है और वो इस पे क्या कुछ करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मेरठ से अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं राजन सोनकर। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता राजन सोनकर जुड़ेंगे। राजन, देखा जाए तो भू माफियाओं द्वारा, बदमाशों द्वारा एक तीर्थ स्थल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है अभी तक इसको लेकर? देखिए, 2013 में ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया था जब असामाजिक तत्व गाँव के ही कुछ लोग तीर्थ की जमीन पर कब्जाने के लिए उन्होंने महंत पर हमला किया, बंधक बना के उनके साथ में मारपीट की और यहाँ तक कि कुछ जो वहां पर पैसे रखे थे, नगदी जो मंदिर में चढ़ाए जाते थे, वो भी वहां से लेकर चले गए थे। जमीन कब्जाने का ये पूरा प्रकरण है जिसमें 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है और इसमें इनकी महंत जी की गवाही होनी है। फिलहाल जब ये लगातार इसमें पैरोल पे जा रहे हैं, मतलब पैरवी कर रहे हैं केस की, तो जो आरोपी पक्ष है वो मुकदमा वापस दिलाने के लिए इन्हें लगातार जो है दबाव बना रहा है, इन्हें धमकी दे रहा है, तो अलग अलग माध्यमों से धमकी आ रही थी। जब ये नहीं माने तो आरोपियों ने क्या करा, अपने दर्जन भर साथियों के साथ में मंदिर में पहुंचकर मंदिर में तोड़फोड़ की और महंत का ये कहना है कि 90 लाख रुपए के आसपास योगी सरकार की तरफ से ये दिए गए थे इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करने के लिए। तो जो पूरी बिल्डिंग बनाई गई है मंदिर की वो योगी सरकार के पैसों से बनाई गई है। ये तीर्थ है जो थाना प्रतापपुर क्षेत्र में लगता है। महंत का ये भी आरोप है जो लोकल इंस्पेक्टर है थाना प्रतापपुर के, वो कहीं ना कहीं आरोपी पक्ष से मिले हुए हैं क्योंकि जब भी उनके साथ में मारपीट होती है और जमीन कब्जाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें बंधक बनाया जाता है, उसमें लोकल पुलिस जो है थाना इंस्पेक्टर वो कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ सीसीटीवी भी हमारे सामने है और प्राइम टीवी ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है, प्रसारित किया है। अब देखना यह है कि योगी सरकार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है, लेकिन फिलहाल मेरठ पुलिस की बात की जाए तो मेरठ पुलिस इस महंत की कोई भी मदद अभी तक नहीं कर पाई है। पिछले 5 दिनों से ये महंत जो है लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इनकी यही मांग है कि जो आरोपी पक्ष मेरे पर दबाव बना रहे हैं और जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही आकर ये सीसीटीवी में दिख रहा है कि मंदिर में तोड़फोड़ की है, आग जनी तक की है, उनके खिलाफ बहुत मजबूती से कार्रवाई हो, इनकी योगी सरकार से यही मांगे क्योंकि ये महंत की सरकार है, संतों की सरकार है और संतों पर ही योगी सरकार में हमला हो रहा है। ये तमाम चीजें हैं जो इनकी मांगे हैं महंत की। अब देखना यह है कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।